हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में हमको जानना है कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है। जहाँ जीवन है वहाँ जीवित पदार्थ होगा। तो हमारे शरीर में, क्योंकि हम भी जीवित हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? जीवित पदार्थ। हमारी क्या, यहाँ जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो जंतु हैं या पौधे हैं, वो सभी जीवित हैं। ये जो जीवित पौधे या जंतु हैं, ये सब एक समान प्रकार के पदार्थ से मिलके बने होते हैं। उसका नाम है कोशिका। जो छोटे पौधे छोटे जंतु होते हैं, वो कम कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और जो विशाल बड़े होते हैं, वो ज्यादा कोशिकाओं से मिलके बने। तो यहां पे जो जीवन की जो इकाई है, जो जीवन में एक कॉमन चीज है, वो कोशिका है, वो सेल है। तो आज हम सेल के बारे में जानेंगे कि आखिर सेल है क्या, कोशिका है क्या। कोशिका जंतुओं में भी पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है। के बारे में जाने इसके अंदर एक बहुत ही पतला आवरण, एक झिल्ली होती है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो यहां तक का जो भाग था, कोशिका भित्ति है, ये जीवित नहीं होता है, परंतु इसके जो भीतर का जो भाव होता है, कोशिका कला से भीतर का, वो सभी जीवित है। और एक भाग और है इसके अंदर, जो खोखला है, वो भी जीवित नहीं है। इसका नाम है मृत्तिका। अब इसके अंदर जो जीवित भाग है, इस रिक्तिका को छोड़ करके और इस कोशिका भित्ति को छोड़ करके, सब कुछ जीवित है। अब हमको ये जानना है कि आखिर इसके अंदर जीवित भाग कौन सा है। जो जीवित भाग है उसको कहते हैं जीव द्रव्य। इसका मतलब दो भाग हो गए, जीवित नहीं है, एक कोशिका और एक मृत्तिका, और तीसरा भाव हो गया जीव द्रव्य, जो कि जीवित है। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, इसके आधार पर हम कोशिका को तीन भागों में
फिर तो रिवाइज में ये रहता है कि ये चीज अच्छी है, रिवाइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, कुर्सी का व्यक्ति नंबर दो, रिक्ति का और तीसरा भाव हो गया जीव का। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी कि कोशिका के अंदर जो जीवित भाग नहीं है वो हो गया कोशिका कला, तो कोशिका व्यक्ति, और दूसरा हो गया रिक्ति का, रिक्तिका, और तीसरा जो जीवित भाग है वो हो गया जीव जन्तु। इसके अंदर वह सब कुछ है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही जटिल संरचना है। इसके फिर हम देखेंगे कि तो इसके बहुत सारे भाग होते हैं, क्योंकि जो मुख्य भाग है वो जीव द्रव्य है, जिसके अंदर जीवन संभव है, जिसके अंदर जीवन है। तो जीव द्रव्य के अंदर और क्या क्या है? तो जीव द्रव्य के अंदर हो गया सबसे पहले बाहरी भाग इसका, ये जो कोशिका झिल्ली लिखा है या कोशिका कला, और जो दूसरा जो जीव द्रव्य जीवित भाग है इसका, बीच में होता है केंद्र। केंद्र को कोशिका झिल्ली से निर्मित केंद्र, न्यूक्लियस, जीव द्रव्य का एक भाव हो गया कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली के नीचे है और बहुत ही पतली झिल्ली होती है, और दूसरा जो भाव हो गया वो हो गया केंद्र, और जो तीसरा भाग है वो इस केंद्र और इस कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे। तो क्या क्या पाया जाता है, इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये डबल आवरण से घिरी हुई है संरचना, यह है हरित लवक, सॉरी यह है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इधर ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी का है, और तीसरी जो संरचना, जो चौथी संरचना है वह अंतः प्रकृति जालिका। ये जाल जैसी संरचना होती है, जाल जैसी बनाती है, ये दो प्रकार की होती है, या तो स्मूथ होगी या रफ होगी। स्मूथ का मतलब चिकनी, जिस पर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इस पर जो कणिकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है राइबोसोम,
अगर लड़कियां पाई जाएंगी तो ये चिकनी नहीं रह जाएगी, ये खुरदरी हो जाएगी, अंत पर गर्मी जाएगी। और इसी तरह से ये हो जाएगी चिकनी, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ईआर कह सकते हैं। अंतर प्रजनन जाली का आपको ईआर कहते हैं। तो ईआर दो प्रकार की है, एक स्मूथ है और दूसरी खुरदरी है, रफ। इस तरह से कुछ अन्य अंग भी पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। एक तरह से कोशिका की संपूर्ण संरचना हो गई। अब इसके विषय में आप जान गए होंगे कि आपके कोशिका के कितने भाग हैं। कोशिका के सबसे पहले तीन भाग बताए थे, जो भाग जीवित नहीं है वो हो गए कोशिका भित्ति, रिक्तिका, तीसरा भाग हो गया जीव द्रव्य जो कि जीवित है। अब नेक्स्ट, जो भाग जीवित है उसका नाम है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसे, प्रोटोप्लाज्म। ये जो जीव द्रव्य है पुनः तीन भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं जीव द्रव्य को। सबसे बाहर कौन सा था? कोशिका भला, और दूसरा भाग हो गया इसका केंद्र। और तीसरा भाग हो गया जो केंद्र और कोशिका भला के बीच में जो भी है वो सब कोशिका है। अब हम थोड़ा सा केंद्रक के बारे में और जान लें कि केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और कभी कभी ये जाल बनाती हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन धागे। पूरी कोशिका पे जो नियंत्रण का जो काम करता है वो यही करता है। आज हमको इतना ही जानना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िएगा और कल मुझे पूरा काम करके दिखाइएगा। ओके।